हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों ही कंफ्यूजन पे मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा। मैंने जो आप लोगों के साथ ये जो इनवर्ड निप्पल का वीडियो शेयर किया था, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसमें एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो उसमें आके मिथ काफ़ी फैला रही हैं और लोगों को काफ़ी मतलब कि बहुत सारा गलत इंफॉर्मेशन वो सही दे रही है। मैं ये नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो क्लियर करना चाहती हूँ वो चीज़ अलग है। वहाँ पे मैंने एक दो लोगों को वो चीज़ समझाने की भी कोशिश की, फिर मुझे लगा कि इसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहिए। देखिए क्या होता है कि निप्पल का अंदर होना, यानी अगर आपके निप्पल हैं और वो किसी कारण अंदर चले गए हैं, तो आप उनको बहुत ज़्यादा ऑयल लगा के मस्टर्ड ऑयल से मालिश करके निकल सकते हैं, या फिर जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी सिरिंज का मेथड कि किस तरह से सिरिंज के थ्रू आप अपने निप्पल्स बाहर निकाल सकते हैं। मेरे साथ पर्टिकुलर डॉक्टर ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब उन्होंने देखा था मेरा आफ्टर डिलीवरी कि मेरे जो निप्पल्स हैं वो फ्लैट हैं, तो डॉक्टर को भी लगा था मे बी मेरे निप्पल अंदर है, मे बी मीन्स बाहर नहीं है, वो अंदर की साइड है। तो उन्होंने भी मुझे ये इंजेक्शन वाला मैथड करके, वहाँ की जो सिस्टर थी वो करा था, और तभी मुझे पता है कि कैसे जिनके निप्पल्स अंदर हैं वो कैसे बाहर हैं। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम और तरह की थी, यानी कि मेरे निप्पल्स अंदर नहीं थे, मेरे निप्पल्स ऑलरेडी फ्लैट थे, यानी कि वो शरीर की बनावट ही ऐसी थी। तो ये जो मशीन है वो क्या करती है, वो जो आपके निप्पल्स है ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा छोटे हैं, यानी बच्चा उसको शक नहीं कर पा रहा है या फिर मुंह में नहीं ले पा रहा है, तो ये मशीन उस छोटे निप्पल्स को भी बड़ा कर देगी। यानी कि ये जो है वो ये अंदर हुए निप्पल को बाहर निकालेगी, या फिर ऑयलिंग मसाज, या फिर बहुत दिनों से अंदर है नहीं निकले हैं कभी, तो ये उनको बाहर करेगा। ये जो मशीन है ये आपके फ्लैट निप्पल्स को भी एक निप्पल का रूप दे देगा। देखिए तो फिर आप सर्जिकल उसमें जाइए, यानी ये अपना ऑपरेशन कराइए, देन उसके बाद अपने निप्पल को साइज दीजिए, जिसके थ्रू वो पूरा ऑपरेशन करेंगे आपका, और वो काफ़ी पेनफुल है, पेनफुल से ज़्यादा आप पेन ले सकते हो अपने बच्चे के लिए। आई नो कि एक बच्चा और मदरहुड क्या है, अपने बच्चे को दूध पिलाने का जो एहसास, और जो लोग नहीं पिला सकते हैं मैं उनकी फीलिंग भी समझती हूँ, तो वो दर्द तो वो सह सकते हैं, लेकिन मनी सबके पास नहीं है, उतना ज़्यादा पैसा लोग नहीं खर्च कर सकते हैं। लोगों के पास है, जिनके पास है वो खर्च कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं खर्च कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताई, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये प्रॉब्लम झेली है, 15 दिन मैंने ये प्रॉब्लम झेली, मैंने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, देन मुझे इस मशीन के बारे में पता चली। तो इस मशीन का मेरा बताने का पर्पस, मुझे कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है या इस कंपनी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, जस्ट मैंने मंगाया था और मेरे मन में आया कि बहुत, जैसे मैं हूँ, मेरे जानने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को झेलते हैं, और मैंने जब डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि सच में बहुत से लोग हैं। और ये मुझे डॉक्टर ने मशीन रिकमेंड की थी, तब उन्होंने बोला था काफ़ी सक्सेसफुल मशीन है और मैंने ये मंगवाई थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा था। इससे पहले जो ये वाला वीडियो है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं ये वाला वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है। तो आप 1 लाख रुपए की सर्जरी कराने से अच्छा है ये जो 4000 की मशीन है, या फिर आप डिस्काउंट रेट में जाएंगे तो 3000 ऐसे करके मिल जा रही है। तो ये मशीन आप उतने में करके अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, या फिर आप अगर डिब्बे वाला भी दूध पिला रहे हैं तो आई थिंक इससे ज़्यादा ही कॉस्ट आपको पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने क्लियर करना चाहती थी, आई नो कि क्या एहसास होता है। और ये जो मेथड है ये मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखा रही हूँ कि किस तरह से जिनके निप्पल अंदर है, या ऑयल मसाज करके, या फिर ये सबसे सक्सेसफुल तरीका है। थोड़ा सा पेनफुल है, मुझे काफ़ी पेन हुआ था जब डॉक्टर ने मेरे साथ ही किया था हॉस्पिटल में आफ्टर डिलीवरी के एक रात बाद, यानी 24 घंटे बाद उन्होंने मेरे साथ ये मेथड किया था, बहुत पेन हुआ था, लेकिन इतना पेन आप सह सकते हो अगर आपके निप्पल, और इसके करने के बाद भी अगर आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हो, मतलब क्लियर पता चल जाएगा कि निप्पल्स छोटे हैं या फिर इनवर्ड है, आई थिंक ये सबको आइडिया हो जाता है। तो ये यानी कि इस मशीन को आप यूज़ करिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये, देन उसके बाद। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और ये वाला मेथड भी आपको मैं दिखाती हूँ आगे कि कैसे आपको सीरियल्स के थ्रू अपने निप्पल्स जिनके अंदर हैं वो बाहर निकालने हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज यहाँ पे आपको जो मार्केट में इंजेक्शंस मिलते हैं नॉर्मल वाले, मैंने जो यहाँ पे डॉक्टर ने मेरे साथ यूज़ किया था वो 5 ml का यूज़ किया था। तो यहाँ पे आपको 5 ml या फिर 10 ml, मतलब जो भी इजली मिल जाए, आपको इसकी जो निडल है वो हटा देनी है, और ये जो आगे का पॉइंट है आपको यहाँ से इसे कट करना है।
तो आप ब्लेड के थ्रू, चाकू के थ्रू, किसी के भी थ्रू, मतलब अच्छे से कट जाए, बहुत इजी वे में कट जाएगा। मैंने तो घर की चाकू से काटा था, काटा है, तो बहुत अच्छे से कट जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर ने ब्लेड से काटा था, मुझे याद है, तो बहुत इजी वे में आराम से भी अलग हो जाएगा। और मतलब मैंने घर की चाकू से जो सब्जी काटने वाली है उससे काटा था, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आराम से आपको इसे कट करना है, देन उसके बाद आपको इसे निप्पल वाले एरिया में लगाना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से निकल गया, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब वैक्यूम लेने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये निडिल हटा देनी है आपको। इसका जो अंदर का पार्ट है उसे पहले आपको अंदर डाल देना है, जैसे कि हाँ। उसके बाद अब आपको निपल वाले एरिया में लगा के इसे निकालना है। तो इसे वैक्यूम लेके ये क्या करेगा, आपके निपल जो अंदर हो गए हैं उसे ये बाहर निकालेगा। इन केस अगर ऑयल मसाजिंग से, जैसे हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि ऑयल मसाज करिए तो जो निप्पल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, इन केस अगर आपके ऑयल मसाज से भी निप्पल्स बाहर नहीं आ रहे हैं तो आप ये मेथड अपना सकते हैं। मेरे साथ ये डॉक्टर ने मेथड अपनाया था, थोड़ा सा पेनफुल है, थोड़ा नहीं बहुत पेनफुल है ये मेथड, क्योंकि जब ये वैक्यूम लेगा बहुत ज़्यादा पेन होता है इसको करने में। लेकिन जिनके भी निप्पल्स अंदर हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा अंदर हैं, वो मसाज के थ्रू भी बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इस वाले मेथड को आप अपना सकते हैं। इस मेथड को अपनाने के बाद भी अगर आपका निप्पल छोटे रह गए हैं और आपका बच्चा मुंह में नहीं ले पा रहा है, देन आपको उस मशीन का यूज़ करना है। और वो मशीन भी मैं आगे दिखाती हूँ, लेकिन उसका पर्टिकुलर जो फुल वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है की बात कर रही हूँ। ये वो मशीन है और मैंने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लिया। देखिए इसमें सिंपली लिखा है सिंपल सॉल्यूशन फॉर फ्लैट एंड इनवर्ट निप्पल्स, मतलब क्लियर क्लियर लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इनवर्ट निप्पल को भी ये बाहर निकालती है इन केस अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, और जिनके फ्लैट निप्पल हैं यानी जिनके निप्पल्स हैं भी नहीं। और इसमें एक चीज़ भी मतलब बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन है ये, कि मतलब आपको ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही आपके फ्लैट निप्पल को बहुत अच्छे से निकाल देगा। तो मतलब उतने पैसे खर्च नहीं करके आपको जस्ट थोड़ा सा अमाउंट खर्च करना है और आप अपने बच्चे को फुल क्या है दूध देगा, और काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी का है, फिलिप्स का है, और मतलब क्लियर उसमें लिखा है देखिए कि अगर फ्लैट निप्पल्स हैं उसके बाद आपने मशीन लगाई देन आपके निप्पल्स बन गए। तो इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। आपने देखा कितना ईजी है, इस मशीन के थ्रू आप अपने जिनके निप्पल्स अंदर हैं वो बाहर कर सकते हैं, लेकिन इस मशीन के थ्रू जिनके निप्पल्स नहीं है, फ्लैट है, पूरी तरह से फ्लैट हो चुके हैं, वो इसके थ्रू अपने निपल्स बना सकते हैं। सर्जिकल यानी कि आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, ये आपको उतना अक्सर सफिशियंट रिजल्ट देगा। हाँ, और मेरी एक सब्सक्राइबर का जो है उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम ये मशीन रुक नहीं रही है, यानी कि ये मशीन वैक्यूम नहीं ले रही है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके निप्पल्स अगर नहीं है तो आप क्या करिए, जैसे मेरे साथ भी था, मैं इसे लगाती थी, जैसे मुझे पता है कि मेरा बच्चा आधा घंटा बाद भूखा होने वाला है, आप इसे लगाइए, आई थिंक लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वैक्यूम नहीं ले रहा है तो आप बच्चे को पिलाने से 5 मिनट पहले इसे लगाइए, घसीटिए, जैसे ही निप्पल आई थिंक 3 सेकंड तक पूरा आपका जो निप्पल है वो बड़ा रहता है, बहुत बड़े साइज में, नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ा हो जाता है। यानी कि जिनके बच्चे के बॉटल पीने की भी आदत है और मुंह में निप्पल लेने की ज़्यादा आदत है, जैसे कि जो बच्चे बॉटल लगा लेते हैं उन्हें बड़े निप्पल्स की आदत हो जाती है, तो ये उसको भी मतलब उसकी भी पूर्ति करता है, बड़े साइज में हो जाएंगे और आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से मुंह में लेके बहुत अच्छे से आपके मिल्क को शक करेगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों की हर मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म किया है, और जो प्रॉब्लम थी एक लोगों के साथ कि अगर आपको वो नहीं कर बच्चा आप जैसे नहीं वैक्यूम के थ्रू रुक रहा है, और हाँ एक चीज़ और जैसे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस मशीन को लगाने के बाद मैं ऊपर से अंडरगारमेंट्स पहनूं कि ना पहनूं, ब्रा पहनूं कि ना पहनूं, और कपड़े पहनूं कि ना पहनूं। देखिए ये आपके कम्फर्ट के ऊपर है। मैं क्या करती थी, मैं इस मशीन को लगाती थी, देन उसके बाद मैं जो नरिशिंग मदर वाली ब्रा आती है यानी कि फीडिंग ब्रा आती है मैं वो पहनती थी, देन उसके बाद आप कोई भी टी शर्ट या फिर गाउन डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वैक्यूम नहीं ले रहा है तो आप क्या करिए, आप अपनी ब्रा उतारिए और या इसे शक करिए, चेक करने के बाद जैसे ही शायद निप्पल का साइज बड़ा हो रहा है 1-2 सेकेंड रुकिए, उसे हटाइए, देन अपने बच्चे को लगा लीजिए और बच्चा आपका मिल्क शक करने लगेगा। और आप देखेंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि अगर 1 हफ्ते तक आपने अपने बच्चे को रेगुलर दूध पिलाया इस तरह से, तो आपके निप्पल्स ऑटोमेटिक मतलब बड़े हो जाएंगे
और फिर आपको इस मशीन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस मशीन को मैंने इसलिए भी रखा है कि इन फ्यूचर में, अभी कुछ भी प्लान नहीं है, इन फ्यूचर अगर मेरा दूसरा बच्चा हुआ तो उसमें भी मुझे ये यूज होने वाला है। और आई होप गाइज आपकी हर मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे मैंने पूरा करने की कोशिश की है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मेरे इस वीडियो के नीचे गजा के पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं sugam.amit@gmail.com, और आप मेरा पेज फेसबुक पेज फैट टू ऑसम भी लाइक कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है सुगम सनशाइन करते। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं था, जस्ट एक फीलिंग वाला वीडियो था कि मैं भी समझ सकती हूँ कि क्या होती है एक मदर की फीलिंग अगर वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है। और इस कारण से तो जहाँ तक मेरी कोशिश थी कि मैं हर लोगों को ये सुख दे पाऊँ, या जो इस वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि 100% में से 40% लोग ऐसे हैं जो इन कारणों से अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाते हैं। और हाँ, और जिनको दूध कम आता है उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि किसके थ्रू आप अपने जो ब्रेस्ट सप्लाई है या अपने बच्चे की दूध की जो फीडिंग सप्लाई है कम है तो उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको मेरा ये अच्छा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को भर भर के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इतना सारा प्यार देने के लिए सच में थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।